हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आप लोगों को इस जन्माष्टमी के अवसर पर दे रही हूँ कृष्णा एम्पावरमेंट, कृष्णास पावर एंड प्रोटेक्शन अट्यूनमेंट। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे 9825604804 पर मैसेज करें और वहाँ पर आप मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये मुझे मेरे एक क्लाइंट ने, स्टूडेंट ने ही दिया था आप लोगों को सबको देने के लिए। उन्होंने कहा था कि आप कोर्सेज कराते हो तो ये भी आप अगर चाहें तो कराएं दूसरों को, तो ये मुझे आप लोगों के लिए ही मिला था। लेकिन शायद सही समय नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से दिया हुआ है उन्होंने। जैसा कि मैं कहती हूँ कि टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अब बहुत ही अच्छा अवसर था। शायद कृष्णा चाहते थे कि उनके जन्मदिन पर वो सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बनकर जाएं। तो इस वीडियो को आप आज देखना चाहें, आज लेना चाहें अट्यूनमेंट आज ले सकते हैं, जन्माष्टमी के दिन लेना चाहें जन्माष्टमी के दिन ले सकते हैं। लेकिन इसे फीस के रूप में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जन्माष्टमी तक ये मिल जाए। मैंने आगे पास किया आपको, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कृष्णा की ब्लेसिंग को आगे पास करें। अब अगर आप शेयरिंग नहीं कर सकते तो शेयरिंग ही करनी है इसमें, तो ठीक है, शेयरिंग ही है इसकी फीस। तो आपको ये आगे आगे शेयर करना है लोगों को। थैंक्स बटन का इस यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी यूज़ करने को, क्योंकि ये मुझे भी आगे किसी ने दिया है, मैंने इसमें कोई फ़ीस नहीं दी है, तो मेरा भी मनी रूप में लेना कोई बनता नहीं है इसका। तो ये आपको, वैसे तो मैं और कई किसी भी वीडियो में लेती नहीं हूँ, लेकिन अभी ये जब कई लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट होता था कि वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर भगवान की कृपा हुई और थैंक्स बटन मिल गया मुझे। लेकिन इसमें आपको जो इसकी फ़ीस होगी वो शेयरिंग ही करें, कृष्णा के नाम को ही आगे फैलाएं। कृष्णा के नाम को फैलाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें मिला है हमें वो आगे देना चाहिए। इन शॉर्ट ये है। अब यहाँ पर जो कृष्णा जी हैं उनके बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में इस बुक में बताया गया है थोड़ा। उन्होंने जो, क्योंकि कृष्णा के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, कृष्णा जी डार्क कॉम्प्लेक्शन थे लेकिन फिर भी सबको अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी तरफ। देखिए, आपको इस वीडियो में भी सामने दिख रहे हैं, ऐसे ब्लू फेस है, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन फिर भी सबको अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ। कृष्णा जी विष्णु जी के रूप हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, कई डेमोन को मारा उन्होंने। अब कृष्ण की को एक, अगर कृष्ण का नाम आता है तो एक चीज़ कॉमन आती है कि बांसुरी बजाते हुए मग्न मग्न, मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ एक इंजॉय से भरी हुई है और मस्त जीवन है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई। तो इसमें अब ये बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन मुझे इनको देखकर ऐसा जो है मैसेज समझ में आता है कि पहला तो अपनी जो तकलीफें हैं वो दूसरों को शो मत करो, दूसरों को यही दिखे कि आप जीवन में बहुत सुखी हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को अपनी तकलीफ बताते हैं, दूसरों को अपनी तकलीफ शो करते हैं, तो क्या होता है, या तो वो तरस खाते हैं, क्योंकि कर तो वो कुछ नहीं सकते हैं, या तो तरस खाते हैं या फिर आपसे कटने लगते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एंजॉय लाइफ करते हैं। तकलीफ़ों को सहना है वो तो है, उसके साथ दूसरी चीज़ है कि तकलीफ़ों के साथ भी इंजॉयमेंट करना सिखाते हैं ये, ठीक है। तो ये जो इनकी बांसुरी है, बांसुरी की धुन है, या इनकी एनर्जी है, वो आपको जीवन को जीना सिखाएगी, और हीलिंग पावर तो है ही उनमें। तो ये जो है इसमें आपको बहुत सी एनर्जी फील होगी। अब हम अट्यूनमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो के एंड में, अट्यूनमेंट लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बुक ले नहीं पाते हैं, और बुक लेने के बाद भी वो बुक जो है वो इंग्लिश में है, उसमें कृष्ण की लीलाएं ही हैं ज़्यादातर, और वो आप सब जानते हैं,
उसके बाद जो ये प्रोटेक्शन है इनका, वो कैसे लेना है, कैसे हीलिंग करनी है, वो मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बता दूँगी। तो अगर आप आज लेना चाहते हैं तो आज अपना नाम लिखें, कमेंट में अपना नाम ज़रूर दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखा है और आप अट्यूनमेंट जन्माष्टमी के दिन लेंगे तो आप आज से अपना नाम दे रहे हैं, नहीं। आपको नाम जब आप अट्यूनमेंट लेने बैठ रहे हैं उसी टाइम नाम दें नीचे कमेंट में और उसी टाइम अट्यूनमेंट लें, ठीक है। इनकेस आपने नहीं लिया, नाम दे देने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ हुआ, तो फिर से जब भी आप लेने बैठे वापस से नाम दें। तो ये प्रोसीजर इसमें रहेगा, और लाइक करना चाहें तो लाइक करें। तीसरी बात है, इसमें आपको जब आप ये अट्यूनमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें तो मैंने कृष्णा जी की फ़ोटो रखी है, लेकिन अगर आपके घर में कृष्णा जी की फ़ोटो है तो उनके सामने बैठेंगे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्या जन्माष्टमी के दिन तो हो गई, और वीडियो को शेयर अभी से ही कर दें ताकि दूसरों लोगों तक। शेयर करने का मतलब क्या है कि ये एनर्जी दूसरों तक पहुँचे, और दूसरों तक पहुँचे, वैसे तो ये टाइमलेस है, आप कभी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जन्माष्टमी तक ही, लेकिन अगर जन्माष्टमी तक ले लेते हैं लोग तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे वो डोर ओपन होता है और कृष्णा जी की एक अलग ही लीला होती है, इसीलिए मैं भी इस दिन दे रही हूँ। तो ये आप शेयर अभी से कर दें, और उस दिन आपको लेना है तो उस दिन अटूनमेंट लें, आज लेना चाहें आज लें, क्योंकि वाइब्रेशन तो कई दिन पहले से स्टार्ट हो ही जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तीन चीज़ें मैं वापस से रिवाइज करती हूँ। कमेंट में नाम अपना तभी दें जब आप ये ले रहे हैं अटूनमेंट, ठीक है। दूसरा, आप तब लें जब आपके सामने कृष्ण जी की मूर्ति है, नहीं तो आप उसे विजुअलाइज करें अपने सामने। यहाँ पर भी मैंने कृष्ण जी की मूर्ति रखी है, फ़ोटो रखी है, आप उनमें भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अट्यूनमेंट स्टार्ट करते हैं। सिट प्रॉपरली, क्लोज योर आइज, क्लोज। थैंक यू कृष्णा को करें, यूनिवर्स को करें, और जिनको भी आप धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स, अपने यूनिवर्स, सब को। और आप अपनी आँखें खोलें, और आपके सामने जो कृष्णा जी की मूर्ति है या कृष्णा जी का जो भी आपने रखा है फ़ोटो है, नहीं है तो इसमें है, नहीं तो आप कृष्णा जी की मूर्ति को अपनी आँखों में ध्यान भी ला सकते हैं आँखें बंद करके। कृष्णा जी की जो पंख है, ऊपर से देखना चालू करें कृष्णा जी को, पंख पर ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखें उनके चेहरे में आपको क्या दिख रहा है, आँखें, कान, नाक सब दिख रहा है, लेकिन उसमें भाव कैसे आ रहे हैं, मग्न के, भक्ति के, आपको वो क्या देना चाहते हैं, जो चीज़ आपको उनके चेहरे पर प्रकट होगी, जो आपको वो दिखेगा, वो इसका मतलब आपके अंदर उस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है और वही आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कृष्णा जी की मूर्ति पर पहले ध्यान दें और धीरे धीरे अपनी आँखें बंद होने दें। इसके बाद मैं जब अट्यूनमेंट स्टार्ट करूँगी तो मैं वहाँ पर आपको अफर्मेशन दूँगी बोलने के लिए, और जब मैं अफर्मेशन दे दूँगी अट्यूनमेंट का, उसके बाद भी म्यूज़िक में आप अपने मन में कृष्ण का जाप करना चाहते हैं, कृष्ण की लीलाओं का जाप करना चाहते हैं, किसी को कृष्ण बचपन में दिखेगा, किसी में, अब कृष्ण क्या लीला आपको अभी दिखाते हैं इसमें, वो तो उनकी कृपा है। तो अभी पहले आप इनके चेहरे पर, इनके भाव पर ध्यान दें।
में अपना नाम बोलें और अपना नाम लें। मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया कृष्णा पावर एंड प्रोटेक्शन अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया कृष्णास पावर एंड प्रोटेक्शन अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया कृष्णास पावर एंड प्रोटेक्शन अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। अगर आप नहीं बोल पाए, सुन लिया तो भी चलेगा। अब आपका अटूनमेंट कर रही हूँ मैं यहाँ से चैनल। आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहें, कृष्णा का ध्यान करना चाहें, कुछ भी करें।
आँखें खोलें और धन्यवाद करें कृष्णा को। रिलैक्स फील करें, रिलैक्स। वीडियो को यहाँ स्टॉप करना चाहें कर सकते हैं, और एक बार रिलैक्स होकर इस एनर्जी को महसूस करना चाहें बिना म्यूज़िक बिना वीडियो के तो कर सकते हैं। उसके बाद में आकर भी हीलिंग का देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा मुझे बताने कमेंट में, आपको कैसा फील हुआ, कैसी वाइब्रेशन फील हुई, कृष्णा का कौन सा रूप आपको दर्शन हुए। तो चलिए मैं अब आपको प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे हीलिंग करनी है। इसको हीलिंग करने के लिए क्या करना है, देखिए आप अपने लिए ले रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेली कृष्णास पावर हीलिंग। धन्यवाद कृष्णा, पावर आपकी शक्ति से मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। और महसूस करें कि कृष्णा का रूप या तो आपके अंदर है या फिर बाहर है, तो उसके हाथों से आती हुई एनर्जी आपको हील कर रही है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं बताना है कि किस चीज़ के लिए है, कौन से पॉइंट पे हीलिंग देनी, नहीं। वो भगवान को हम थोड़ी बताएंगे कि कैसे हीलिंग करनी है, वो भगवान को खुद मालूम है किसके लिए क्या अच्छा है। सिर्फ ये कि इनके जीवन में सुख आ जाए, अपने लिए ले रहे हैं तो अपने लिए। अब अगर आप किसी और को हील करना चाहते हैं तो उस पर्सन को अपने सामने देखकर और शोल्डर पर हाथ रखें। हम जब किसी को कुछ सांत्वना देते हैं या कुछ भी देते हैं ना, तो शोल्डर पर हाथ रखते हैं। तो शोल्डर पर हाथ रखें और फील करें कि कृष्णा आपके हाथों से एनर्जी उनकी पूरी बॉडी में भेज रहे हैं, और सिर्फ उनकी सुखमय जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, मानसिक खुशी के लिए अफर्मेशन दें और प्रार्थना करें और महसूस करें कि एनर्जी जा रही है। उसके बाद कृष्णा खुद देखेंगे कि कहाँ एनर्जी देनी है, क्या करना है, वो उनका काम है। और उसके बाद प्रोटेक्शन, उसके बाद कृष्णा से प्रार्थना करें कि इन्हें अपनी लाइट से प्रोटेक्ट रखें, अपनी एनर्जी से प्रोटेक्ट रखें। वहाँ आप ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि 3 दिन के लिए, मुझे तो 3 दिन ही फील होता है, आपको देखिए कितने दिन फील होता है, 7 दिन, कितने दिन की प्रोटेक्शन दे। आजीवन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी सोच के साथ भी थोड़ा चलता है। तो 3 दिन का बोलें, लेकिन करें जरूर रोज़, क्योंकि 3 दिन का बोलने से क्या होता है कि अगर बाय चांस आप कभी नहीं कर पाए, या क्या होता है जैसे आज आपने 6 बजे शाम को किया लेकिन कल 6 बजे नहीं कर पाए, 1 घंटा लेट हो गया, तो वो एनर्जी का लॉस होता है। तो इससे अच्छा 3 दिन का अफर्मेशन देंगे तो आपका टाइम आगे पीछे हो, बाय चांस आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहे, लेकिन करें रोज। और फिर अपने लिए भी कृष्णा से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं कि कृष्णा अपनी लाइट की, अपनी हीलिंग की मुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड दें। और बांसुरी की धुन को की भी में भी बहुत हीलिंग है, तो बांसुरी की धुन की हीलिंग भी आप उनसे मांग सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों से दूसरों के लिए हीलिंग कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मुझे ये अटूनमेंट पास करके ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है आप बताइए, और इसे आगे ज़रूर पास कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और मेरा आज मैंने जन्माष्टमी से जो है कार्मिक रेकी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कोर्स, इसके लिए 2nd लेवल ज़रूरी है, 2000 फीस है। 3 लेवल होते हैं, 5 सिंबल होते हैं इसमें, तीनों लेवल की 2000 फीस है, क्योंकि कृष्णा जी ने हमें कर्मास सिखाया, तो उसी कर्मास को जो हम कर आगे अच्छे कर्म करें, लेकिन जो पीछे हम बुरे कर्म करके आ गए हैं उन्हें भी हील करना ज़रूरी है। तो ये उसके लिए है, अगर आप करना चाहें तो अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन से मेरा कोर्स स्टार्ट होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।